Dear students, good morning to all. Welcome to you in new academic session 2021-22. In the last lesson, all of you have studied social science well. I will teach you social science in the new session. I hope all of you will get into social science with full zeal and dedication. So, let's start your introduction about of your social science syllabus. In this year of class 10th, your social studies social science books are four. So first, history. Second, understanding economic development social science textbook. And third book is social science contemporary textbook in geography, and fourth book is Democratic Politics, part second, textbook in political science. So next, I will explain you all books chapter one by one. So in India and the Contemporary World, part two, textbook in history, in this book. In this year, chapter are divided three section. Okay, so three section. Each section have some chapters. So first section of history is events and process. And in this section, event and process chapters two in two chapters. First chapter is the rise of nationalism in Europe. And second chapter nationalism in India. Okay, इन दोनों chapter में जो section है events and process को बताया गया है कि किस तरीके से nationalism यूरोप में rise हुआ, उदय हुआ, और जो second chapter है nationalism in India, ये इसके events कैसे थे और इस जो nationalism in India मतलब भारत में nationalism का जो उदय हुआ, किस तरीके से आया, उसका प्रोसेस कैसे हुआ, इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे. ओके, सो सेकंड सेक्शन है हिस्ट्री का लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज. और इन दिस सेक्शन वी विल स्टडीज टू चैप्टर्स. सो चैप्टर थ्री इज द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड फोर्थ चैप्टर इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो इन दोनों चैप्टर में हम किस तरीके से जीवन शैली है ग्लोबल वर्ल्ड की और इंडस्ट्रियलाइजेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई, सोसाइटीज डेवलपमेंट कैसे हुई, ये हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे. सो थर्ड सेक्शन है हिस्ट्री का, सेक्शन थर्ड इज एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स. इन दिस सेक्शन चैप्टर इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. सो इन दिस इन हिस्ट्री बुक वी विल स्टडी थ्री सेक्शन एंड इन थ्री सेक्शन वी विल स्टडी टोटल चैप्टर ऑफ फाइव चैप्टर्स. ओके, सो नेक्स्ट बुक ऑफ योर क्लास टेंथ सोशल साइंस इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टेक्स्ट बुक इन पॉलिटिकल साइंस. इन दिस बुक इन दिस ईयर वी विल स्टडी four unit, and each unit have some chapters. So unit first have two chapter. So chapter one is power sharing and chapter two is federalism. So unit second have already also two chapters. Chapter three, democracy and diversity. और चैप्टर फोर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट. सो नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट थर्ड. इन यूनिट थर्ड ऑल्सो हैव टू चैप्टर्स. चैप्टर फाइव पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स एंड चैप्टर सिक्स इज पॉलिटिकल पार्टीज. एंड लास्ट यूनिट यूनिट फोर हैव ऑल्सो टू चैप्टर्स. चैप्टर सेवन outcomes of democracy and chapter 8 challenges to democracy. So total 8 chapters we will study in political science book. Next your book is contemporary
इंडिया पार्ट टू टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी. इन दिस ज्योग्राफी बुक वी विल स्टडी सेवन चैप्टर्स. I explain one by one. So first chapter is resources and development. किस तरीके से क्या क्या संसाधन हैं और उनका विकास कैसे हुआ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं पार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं कैसे हैं उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज. फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर. चैप्टर फाइव मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड चैप्टर सिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड चैप्टर सेवन लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड लास्ट दिस इज लास्ट चैप्टर. सो टोटल सेवन चैप्टर्स वी विल स्टडी इन ज्योग्राफी बुक. नेक्स्ट योर बुक इन सोशल साइंसेस अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दिस इज इकोनॉमिक्स बुक. इन दिस बुक वी विल स्टडी फाइव चैप्टर्स. सो फर्स्ट चैप्टर इज डेवलपमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे. एंड चैप्टर टू सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या सेक्टर्स हैं कैसे हैं उनका डेवलपमेंट है ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत. चैप्टर थ्री मनी एंड क्रेडिट्स एंड चैप्टर फोर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. एंड चैप्टर फाइव कंज्यूमर राइट्स. दिस चैप्टर बेस्ड ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड. सो टोटल फाइव चैप्टर वी विल स्टडी इन इकोनॉमिक सेक्शन. सो हियर योर सिलेबस इन दिस सेशन ऑफ क्लास टेंथ is completed. I hope you all understood very well. Thank you for watching.